આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. જૂનાગઢ એસઓજી પોલીસે ચોરીના મોબાઈલ લેવેચ કરનાર દુકાનદારને 504 નંગ ગેરકાયદેસર મોબાઈલ ફોન સાથે દબોચી લીધો. રેન્જ આઈજી મંદિર પ્રતાપસિંહ પવાર તથા જિલ્લા પોલીસ વડા રવિ તેજા વાસમસેટીને લોકોના ચોરી થયેલ તેમજ ખોવાઈ ગયેલ મોબાઈલના ફોનને બનાવો અવારનવાર બનેલ હોય જે ધ્યાને આવતા જે મોબાઈલ ફોન શોધી કાઢી તેના મૂળ માલિકને મળે તે માટે જૂનાગઢ ખાસ ઝુંબેશનું આયોજન કરવા સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ એસઓજીની ટીમને સૂચના કરવામાં આવી હોય જે અનુસંધાને એસઓજીના PIHI ભાટી તથા PSI JM વાળા એસઓજી સ્ટાફ તથા સાયબર ક્રાઇમ સેલ સતત પ્રયત્નશીલ હોય તે દરમિયાન એસઓજી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મહેન્દ્રભાઈ ડેર તથા ધર્મેશભાઈ વાઢેને બાતમી મળેલ કે જૂનાગઢ શહેરના MG રોડ ઉપર આવેલ ક્રિસ્ટલ એપાર્ટમેન્ટમાં આવેલ રાજ મોબાઈલ નામની દુકાનનો સંચાલક કોઈપણ આધાર પુરાવા વગર તેમજ ગેરકાયદેસર મોબાઈલ લેવેચ કરી રહ્યો હોવાની બાતમી આધારે એસઓજીની ટીમ દ્વારા ઉપરોક્ત મોબાઈલની દુકાન પર રેડ કરતા કોઈપણ આધાર પુરાવા વગરના અલગ અલગ કંપનીના મોબાઈલ ફોન નંગ 504 તથા લેપટોપ નંગ 1 સહિત દુકાન સંચાલક કાજી મોહમ્મદભાઈ રાજસુમરાને ₹27,96,000 મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 જૂનાગઢ. सर ये मोबाइल चोरी का गैंग का पर्दाफाश हुआ इसको क्या है क्या है? जूनागढ़ पुलिस ने एसओजी टीम कल एक बातमी के आधार पे एक आरोपी को लेके आए थे. इसमें काजिम मोहम्मद भाई गामेदी का नाम आया था जो राज मोबाइल करके दुकान चलाता था सीताकाना चौक में. लगभग 504 मोबाइल हमने कब्जा किया था जिसका कुल कीमत 28 लाख के आसपास है. मेनली इनका MO ऐसा था जो आदमी चोरी करते थे उनसे मोबाइल ले आता था 2,000, 1,500, 3,000 मोबाइल के हिसाब से. यहाँ आके उसको पार्ट्स बना के बेचता था या कई कई मोबाइल्स भी भेजा हुआ है. इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, कहाँ से ये मोबाइल लेके आया, किसको वापस करना, वो सब तपास चालू है अभी. सर ये मोबाइल चोरी करने वाले कितने फरार है अभी, आए क्या? अभी वो भी डिटेल्स खुलना बाकी है. अभी प्रिलिमिनरी तो गोंडल से मोबाइल्स लेके आता था अलग अलग जगह से, इनका जो भी कॉन्टैक्ट था तो कौन कौन इन्वॉल्व था, किससे मोबाइल्स लेके आते थे, कहाँ कहाँ से ये चोरी हुआ, वो डिटेल्स अभी खुलना बाकी है. सर कितने साल से चोरी गई हुई? ये 1 साल की मुद्दा वाले, लगभग 1 साल से ये गैंग के संपर्क में था और पहले कहाँ से लेके वो भी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है. पूरा मोबाइल बेच रहा था कि क्या कर रहा था? ज़्यादातर पार्ट्स बना के बेच रहे थे, जिसका LCD खराब हो गया तो उसमें LCD डालना या बैटरी खराब हो गया तो बैटरी डालना, उसे होता है. सर कौन से डिस्ट्रिक्ट और जिले में से ये चोरी का सब हो सकता है? अभी के लिए तो राजकोट जूनागढ़ की बात नहीं आई है, बाकी अभी तपास चल रहा है. जैसे IMEI नंबर सबका निकालेंगे हम और इसका जस्ट फोन नंबर से लिंक है वो सब डिटेल्स निकालेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कितने डिस्ट्रिक्ट का मोबाइल फोन से पूरा. आरोपी ने कहीं नाम दिए है कितने लोग बेचने आ रहे थे, कोड कौन है, कहाँ से? वो इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी, फर्दर नाम जैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा. पहले सर ये चोरी में कभी पकड़े गए हो ऐसा? सर पहले गुनाह है. और सर ये वाला हर बार नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता? मोबाइल चोरी करने वाला भी मिलता है, ऐसा नहीं कि मोबाइल चोरी करने वाला नहीं मिलता, उनको भी काफ़ी लोग को हम अरेस्ट कर चुके हैं पहले.